अखिल भारतीय जट महासभा पंजाब इकाई की महिला शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह अब किसानों की मांगों को पूरा करने में सक्रिय रहेंगी। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों का संकट ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते महिला किसानों को संगठित किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय जट महासभा के नेताओं ने आज पंजाब इकाई की महिला विंग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को नियुक्ति पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष थे, लेकिन लंबे समय से जाट महासभा की गतिविधियां गतिरोध में आ गई थी। लेकिन अब अखिल भारतीय जाट महासभा ने कुशाल दीप सिंह ढिल्लो और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और वे नई नियुक्तियां करेंगे। वड्डी लॉ लेके आनी सी, पहला कह दें किसान तेरा सारा लोन माफ, मैं तेनों नवी तरीका नवी टेक्निक सिखाना, पुराना लोन तो माफ कर, असी तो कर्जे चा डुबे हुए असी की काम कर लेंगे, साड़ी तो कुड़की है, साड़ी तो घर की कुड़की कर लेंगे, कदे मिंट ला दे, एक किश्त ना दो, आ नहीं जाते थोड़ा जिन्या कुड़कियाँ ऐतकी हुई हैं, अखबार खोल के देख लो, अद्धा अखबार की होंदा है कुड़की हो रही है, अद्धे अखबार च कोरोना करके लोग किश्तां नहीं दे सके, कुड़कियाँ हो गई, आही किसानां नाल करना, पहला माफ़ करो, फिर सानू तरीके दसो, साल दो साल का टाइम दो, साड़ी यूनियनज नाल बैठो, सानू दो कारपोरेट्स नहीं, तीन नहीं, अंबानी अडानी बाबा रामदेव नहीं, सानू 200 कारपोरेट चाहिए हैं जिन्हों को साढ़े को चॉइस होवे, असी गल करांगे एंड गल किसान नहीं करूँगा, साढ़ा जेडे आई टी सैल दे आ बनेंगे ना, जेडे आ मैंबर्स बनेंगे किसान यूनियन के लीडर्स, वो गल करेंगे भी हूँ असी तैयार हाँ, असी तेन मदद करांगे, तू आऊगा, पहला तो 6 महीने से उन्होंने मिट्टी ठीक करने लगन, फिर सानू पेस्टिसाइड दे से आपे चो निकलना पऊगा, क्योंकि वह तो बिकना ही नहीं साडा समान, सानू पेस्टिसाइड के गंद चो निकलना पऊगा, सानू नैचुरल पेस्टिसाइड पर आना पऊगा, उन्हां दी ट्रेनिंग कित्थे है, तुसी पहला बड़ा चंगा लगता जे तुसी सेंटर तो टीमां भेजदे पिंड पिंड ते ट्रेन करदे, साउथ तो भेजदे ना, साउथ वालियां ने पेस्टिसाइड बंद करता, उत्थे खेती उन्हां दी तां मध्य प्रदेश की कणक पंजाब वाले खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेस्टिसाइड हटाता, तो सानू सिखा दो, असीं भी हटा देंगे, सानू की शौक है पैसे खर्च के पेस्टिसाइड यूज़ करिए, सानू उस लेवल से तो लेके आओ भी असी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देिए जिते साडा समान बिके। सो फिर मैं दोबारा धन्यवाद करती हाँ जट महासभा का, दोनों वाइस प्रेजिडेंट्स का, पूरे डिस्ट्रिक्ट हैड्स का, जिन्हें सारे इतने आए हैं मैं इनकरेज करने लिए, एंड मैं श्योर भी करती हाँ कि जी जान ला के मेहनत करूँगी, जिथे हो सकया उत्थे जाऊँगी, अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी, परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो किसानों तो ऐतकी हारन देंगे नहीं, देखो ये तो साडा भी संकल्प, इत्थे तो साडा भी संकल्प पड़िया होया, क्योंकि जे अज किसान हार गया तो पंजाब हार गया, ये गल सारे याद रखन, जे अज किसान हारिया तो पंजाब हारिया, फिर आप दोबारा उठ नहीं सकांगे, जेडे रोटी खिलांदे ना सानू, जे आपां उहदे नाल गद्दारी करती ना तो परमात्मा ने भी माफ़ नहीं करना, जिहड़ा अन्न दिंदा है ना, तीन टाइम रोटी खाने आ, एंड वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो बाकियों लिए भी लड़ रहा है, वो अपने जोगी तो उगा लूगा, चार फुल रख लूगा, पर थोनू जो जाके 800 रुपये का फुल लेना पेगा ना, तो फिर एक खीरे की प्राइस तुनू 80-100 रुपये मिलेगी ना, फिर सेक लगेगा जाके, क्योंकि उही पैकेटा च उन्होंने देनी है जो मोदी का स्टाइल है, भी उन्हों नवा धवा के उन्होंने चंगा जहा रैपिंग करके उत्ते एक स्टिकर ला के है ना, वो सोचता है भी 80-80 रुपये की लैनी पेगी, रोटी तो खानी है ना, मजबूरी हो जूगी, वो नहीं हो देना, एंड इस सारियां का फर्ज बनता है कि पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करके ये वाल चलन, असी जरूर एश्योर करते हैं कि एक्टिवली फार्म यूनियनज़ के नाल उन्होंने नाल भी इंटरैक्ट करांगे, सानू सब की लोड़ है, सानू सेंट्रल गवर्नमेंट की लोड़ है, सानू स्टेट गवर्नमेंट की लोड़ है, असी पॉजिटिव वे नाल जावांगे, असी गालां कढ़न वाले चो नहीं हाँ, असी मोदी जी कोल भी जावांगे, असी तोमर कोल भी जावांगे, पर असी पॉजिटिव लैके आवांगे, असी बहस करांगे उन्हां दे फार्मर्स किसानों के बेसिस ते बहस करांगे, किसानों भी समझावांगे भी मिडल वे लभी है, ये कोई हल नहीं है, कोई मिडल वे तो आना पेगा ना, वापस आके भी तो पहुँचने अगे, सो प्रोग्रेसिव जरूर चलांगे, द्वारा मैं थोड़े सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। जिस जट महासभा के नैशनल प्रेजिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने तुहानू ये पोस्ट ऑफर की है, तुसी की किस नज़रिए नाल देखदे हो? मैं ना विमेन एम्पावरमेंट की बहुत स्ट्रोंग गल करती हाँ, मैं अपने आप च अपने आप को किसी तो घट नहीं समझती, सो नवजोत सिद्धू अपने क्वेश्चन आप आंसर करे, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन के बेसिस से
मैनू इन्हां ने जो काम सौंपे है मैं उहदे विच अपना पूरा 100% करके दिखाऊंगी। उन्हां दा की पंजाब लई है सारिआं नूं पता है, उहदे बारे उह आंसर करनगे। टाइमिंग परमात्मा ने करती, मैं तुहाडा जवाब दे दां, उह परमात्मा ने कीती है, उह सोलमेट्स आ, असीं इकट्ठे ही चलदीआं आत्मावां। इन्हां नूं बणाउण दे विच कैप्टन साहब का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं। आल इंडिया जट महासभा के चौधरी जुधवीर सिंह जी जिहड़े साडे जनरल सैकटरी आ, उन्हां दी चिट्ठी नाल ये बने आ। एग्जैक्टिव की मीटिंग तो बाद ये फैसला लिया गया। मैं भी उस एग्जैक्टिव कमेटी का मैंबर हाँ, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेजिडेंट आल इंडिया जट महासभा का, हुण मैं पंजाब का प्रधान भी हाँ। नाल ये फैसला साडी एग्जैक्टिव की कमेटी ने, आल इंडिया जट महासभा ने लिया। आ जुधवीर सिंह जी दे जनरल सैकटरी जी दे साइन आ, इहदे च साडे जिहड़े प्रधान आ उहनां दा कोई प्रधान जी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी की भूमिका होणा इस जथेबंदी जथेबंदी दे विच? उहनां दी भूमिका हाली ते 4-5 साल तों किते दिखाई नहीं दित्ती। उहनां ने किक्की ढिल्लों साहब नूं बणाया सी प्रधान पंजाब दा, उहनां ने बिल्कुल कोई सारनी लई जाट महासभा दी। और असीं दुखी उदों हो गए जदों किसान अंदोलन शुरू होया, ते किक्की ढिल्लों साहब ने, MLA साहब ने, साडे प्रधान जी ने एक भी हा दा नारा किसान अंदोलन वास्ते नहीं मारिया। साडी आल इंडिया जाट महासभा जिहड़ी आ, इह कोई चलदी फिरदी जाट महासभा नहीं, 115 साल पुरानी जाट महासभा आ। 9 स्टेटां च रिजर्वेशन लै चुके हाँ। साडी सभा ने यह फैसला किया कि असीं किसान अंदोलन की हमायत करनी है, लेकिन पंजाब दे विच्चों पूरी हमायत नहीं हो रही। असीं हुण पूरे जोर शोर नाल जिन्हें भी बनाए पहले उन्हां दे अहुदेदार सी, कि MLA ने बनाया सी, कि मंत्री ने बनाया सी, सारिआं नूं असीं हटा के अपने नवें प्रधान बना रहे। जिलों के 8 जिलों असीं प्रधान बना चुके हैं। थोड़े दिनों च तुसीं देखते जाओगे कि असीं पूरी दी पूरी पंजाब दी जिहड़ी टीम आ इहनूं जागरूक करांगे, नवीं टीम बनावांगे, लोकां च जोश आवेगा। और 40 जथेबंदियां जिहड़ियां साडियां किसान जथेबंदियां, उन्हां दे आदेशां अनुसार जो सानू हुक्म करनगे असी वही काम जाट महासभा। पंजाब च तुसी शायद देखते नहीं, असी 3-4 दिन पहला पुतला फूको मोदी का अंदोलन शुरू किया ब्लॉकों च, जिलों च। कल असी रोपड़ का नवा प्रधान नियुक्त कर रहे हैं, उत्थे भी मोदी का पुतला फूकांगे। 85 पिंडां दी पंचायत आ जिन्होंने टोल टैक्स कुराली और अपना रोपड़ दे विच जिहड़ा टोल टैक्स पैंदा, 85 पिंडां दी पंचायत है जिहड़ी, उन्होंने वो टोल टैक्स बंद किया और उत्थे धरना दिता। उत्थे असीं कल मोदी का पुतला साड़ना और फिर प्रेस क्लब होएगी रोपड़। इस नहीं असीं रद्द नहीं करते, असीं रद्द नहीं किया। जो जिहड़ा बंदा नहीं इफेक्टिव नहीं है, जिहड़ा बंदा तुसीं फिर आप हिसाब ला लो, मेरे मूँह नहीं निकलना चाहिए। हाँ जी, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਜੇ 6-7 ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਢਣਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।